राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक दल है, वो आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रज विश्व चरण को बचाने में लगी है। ऐसा है, इन्होंने जो अपोजिशन है उसका काम आरोप लगाना ही है, वो लगाते हैं। जिस प्रकार से वो धरने पर बैठे हैं और जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने उसको बुनाने का प्रयास किया है, तो पहलवानों से अपील करूंगा उस बात को समझें और इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। के देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं। ऐसा है, जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो हो रही है, वो होगी। लेकिन किसान नेताओं से कह रहे कि हमारा सहयोग करें, अपील करते नजर आ रहे हैं पहलवान। केस सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में। लेकिन आरोप लगा रही है राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक दल है, वो आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रज विश्व चरण को बचाने में लगी है। ऐसा है, इन्होंने जो अपोजिशन है उसका काम आरोप लगाना ही है, वो लगाते हैं। महिला स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन काफ़ी दिन से, दो ढाई साल से बंद थी और लोग महिलाओं की बड़ी भारी डिमांड थी और लोगों की भी, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 50-60 हज़ार लोग डेली दिल्ली जाते हैं जो वहाँ पर सर्विस करते हैं, उनको आने में सुविधा के लिए इस ट्रेन का बड़ा भारी अपने आप में महत्व रहेगा और इस ट्रेन को चलने से उन सबको सुविधाएं मिलेंगी। देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं विधायक जी, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज वो कह रहे कि हम, मैं उनका समर्थन है वो कर रहा हूँ, दुष्यंत जी उनके समर्थन में आए हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारे सभी नेताओं ने बयान दिए हैं, हम जितने भी पहलवान हैं उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने देश के लिए खेले हैं, देश का नाम रोशन किया है। और जो विवाद है, जिस प्रकार से वो धरने पर बैठे हैं और जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने उसको बुनाने का प्रयास किया है, तो पहलवानों से अपील करूंगा उस बात को समझें और इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। ये पहलवानों की समस्या है, बहुत सारे जो नए पहलवानों के लिए जो पॉलिसी बनाई है और जो उसमें एक नई पॉलिसी का जिक्र हुआ है, उस पर भी विचार चल रहा है और जो जांच चल रही है, जब तक ये जांच चलती है जब तक इस धरने को रोकना चाहिए। और न्याय कब तक मिलेगा? न्याय बहुत जल्दी मिलेगा, FIR हो चुकी है। देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं। देश के बहुत सारे युवा पहलवान भी हैं जो उस लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सारे परिवर्तन किया था पॉलिसी के अंदर। मैंने इसमें दो तीन विषय इसमें आए हैं जो जानकारी में आया है कि इसमें पॉलिसी का भी विरोध, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पहले रहे हैं उनके ऊपर कुछ कायदे कानून बनाने का जो नया प्रयास हुआ है उसका भी विरोध है, कोचिज को लेकर भी विरोध है, कई पॉलिसियों का भी ये मैटर है और ये जो आरोप लगे हैं इस आरोप की जांच चल रही है। यौन शोषण के बड़े गंभीर आरोप हैं, देश के नामचीन पहलवान हैं, लगभग साक्षी मलिक, सत्यव्रत का ध्यान, ये जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं जितने भी ये पहलवान हैं, इन्होंने और पहलवानों के भी ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया है, तो इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। जब तक ये कोर्ट में केस है जब तक बयानबाजी से बचना चाहिए। जी, आप एक महिला विधायक और महिला खिलाड़ी यौन शोषण के आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर बैठी है और BJP के सांसद पर आरोप लगा रही है। ऐसा है, कानून अपना काम कर रहा है और सरकार ने कभी किसी को गलत को नहीं बचाने का कोशिश नहीं की है, हमेशा सही को न्याय मिलता है, जो सही है वही होगा, किसी को भी कोई नहीं बचाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैम, लेकिन 164 के बयान महिला पहलवानों के दर्ज नहीं हुए हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, गिरफ्तारी है वो नहीं हुई है, अगर आम आदमी जो मैटर कोर्ट में है उसका फैसला कोर्ट करेगा और सरकार किसी को भी गलत का साथ कभी नहीं देती है। FIR भी दर्ज हो चुकी है, सब सही होगा, न्याय मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए खेले हैं, हमारे देश का झंडा बुलंद किया है, इनको न्याय मिलेगा। आपकी निजी प्रतिक्रिया? मेरी निजी प्रतिक्रिया ये है, सही को न्याय मिले और गलत को सजा मिले।